ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम का ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। एक भी काम उन्होंने भरोसे लायक बताया हो, क्या किसानों की इनकम दुगनी हो गई, 100 स्मार्ट सिटी बन गई, विदेश से काला धन आ गया, जो कहा था मुद्रा लोन से लोन का मिल गया लोगों को, वास्तविक लोगों को नहीं मिला, 15 लाख खाते में जाएगा, ये कहानी तो आप सुने ही हो। एक भी वायदा का पूरा नहीं होता, अभी कुछ कहेंगे जब तक, फिर कुछ दिनों के बाद दूसरा जुमला फेर देते हैं, पहला लोग भूल जाते हैं, इस तरह से जनता को मूर्ख बना करके करते रहते हैं। धर्म का कार्ड ऐसा है कि जिसमें इंसान अपनी रोजी रोटी विकास को भूल जाता है, जो कुछ यहाँ नहीं मिला है सब स्वर्ग में मिलेगा, इस तरह से जनता को भी कुछ बनाया जाता है। मार्च को और आज यहाँ पर रंजना कुमारी जी के द्वारा आयोजित प्रोटेस्ट था जंतर मंतर पर, और मैं उनका समर्थन करता हूँ। महिलाओं का आरक्षण संसद में विधानसभा में फौरन दिया जाना चाहिए, 10 साल 5 साल इंतजार किस बात की है। कांग्रेस पार्टी जब तैयार है और दल तैयार है तो बीजेपी मूर्ख बनाने का काम करती है। 15 लाख रुपया का जैसे लालच देके वोट लिया, अभी महिलाओं का बिल पास करा करके लालच दे करके वोट लेने का कार्य किया, यानी उनके दिल में महिलाओं का सशक्तिकरण उत्थान नहीं, वोट लेने का ही पूरा कयावद है। और महिलाओं को इस देश में सड़कों पर उतरना चाहिए, और इसी सत्र में जो जाड़े का सत्र है इसी सत्र में लागू कराने के लिए दबाव बनाना चाहिए। सरकार पे भरोसा क्यों नहीं है? एक भी काम उन्होंने भरोसे लायक बताया हो, क्या किसानों की इनकम दुगनी हो गई, 100 स्मार्ट सिटी बन गई, विदेश से काला धन आ गया, और जो कहा था मुद्रा लोन से लोन का मिल गया लोगों को, वास्तविक लोगों को नहीं मिला, 15 लाख खाते में जाएगा, ये कहानी तो आप सुने ही हो। एक भी वायदा इनका पूरा नहीं होता, ये अभी कुछ कहेंगे जब तक, फिर कुछ दिनों के बाद दूसरा जुमला छेड़ देते हैं, पहला लोग भूल जाते हैं, इस तरह से जनता को मूर्ख बना करके करते रहते हैं। अरे 33% ही दे दें वो भी तो नहीं दे रहे हैं, 33% ही दे दें वो भी नहीं दे रहे हैं, इतने संघर्षों के बाद में तो बिल पास हुआ है, और बिल पास होने के बाद भी तो कुछ नहीं मिलता नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है ये जुमला साबित होगा? ये भी जुमला साबित होगा। जनता को भरोसा है मोदी सरकार पर? भरोसा देखिए, धर्म का कार्ड ऐसा है कि जिसमें इंसान अपनी रोजी रोटी विकास को भूल जाता है, उसको सब प्राप्ति नजर आती है स्वर्ग में, इस जीवन को भूल जाता है कि जो कुछ यहाँ नहीं मिला है सब स्वर्ग में मिलेगा, इस तरह से जनता को भी कुछ बनाया जाता है। गारंटी तो बहुत चीजों का दिया था, सबको घर सबको मकान मिल जाएगा 2022 तक, किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी, तो गारंटी तो उनकी ऐसे ही होती है। सड़कों पर विपक्ष कितना भी चिल्ला ले, लेकिन ईवीएम का रिजल्ट मोदी के साथ है, बीजेपी के साथ है। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। ईवीएम के खिलाफ आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हम भी जल्दी आंदोलन करने जा रहे हैं।
हम लोग सामाजिक स्तर पर तो हम आंदोलन कर ही सकते हैं।